इंस्पेक्शन कमीशन आपकी एटीएम्स के बारे में क्या तहकीकात करेगा। तो आज वो मेहनत हमें कहीं नजर नहीं आ रही। और जब इमरान खान साहब ये कहते थे हमें, हम सुन सुन के कान पक गए कि नवाज शरीफ अंपायर को साथ मिला के खेलता है। मेरी इस दरख्वास्त के जरिए आज कौम पर वाजे हो गया कि इमरान खान साहब ने अंपायर को साथ मिलाकर मुंतखब हुकूमत को गिराया, उसके खिलाफ साजिश की। पहले हम वो उसको भी 2014 से वो शुरू हुए धरनों से जो बात शुरू हुई, और उसके बाद आज तक वो अंपायर को साथ मिला के खेलते हैं, और उस अंपायर का नाम है जनरल फैज हमीद। तो मुझे इन बातों का जवाब चाहिए। और ये बात जब कहते हैं हमें, हम ये बात जब कहते थे तो कहते थे कोर्ट में क्यों नहीं लेके जाते, नाम क्यों नहीं लेते। आज मैंने नाम भी ले लिया और कोर्ट में भी ले गई। इंस्पेक्शन कमीशन आपकी एटीएम्स के बारे में क्या तहकीकात करेगा। तो आज वो मेहनत हमें कहीं नजर नहीं आ रही। और जब इमरान खान साहब ये कहते थे हमें, हम सुन सुन के कान पक गए कि नवाज शरीफ अंपायर को साथ मिला के खेलता है। मेरी इस दरख्वास्त के जरिए आज कौम पर वाजे हो गया कि इमरान खान साहब ने अंपायर को साथ मिलाकर मुंतखब हुकूमत को गिराया, उसके खिलाफ साजिश की। पहले हम वो उसको भी 2014 से वो शुरू हुए धरनों से जो बात शुरू हुई, और उसके बाद आज तक वो अंपायर को साथ मिला के खेलते हैं, और उस अंपायर का नाम है जनरल फैज हमीद। तो मुझे इन बातों का जवाब चाहिए। और ये बात जब कहते हैं हमें, हम ये बात जब कहते थे तो कहते थे कोर्ट में क्यों नहीं लेके जाते, नाम क्यों नहीं लेते। आज मैंने नाम भी ले लिया और कोर्ट में भी ले गई। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।